वेलकम माई चैनल। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए थोड़ा। जिन भाइयों का व्हीकल मैकेनिक में हुआ है, जिनका फिजिकल मेडिकल होने वाला है बीआरओ के अंदर, किसी भी पोस्ट के लिए, व्हीकल मैकेनिक है, पेंटर है, वेटर है, जो अभी होने वाले हैं या हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए पहले तो इस तरह का एडमिट कार्ड आने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को पहले ही बीआरओ ने बोल रखा है कि आप लोग अपने पोस्ट ऑफिस के टच में रहें। ठीक है, फिर क्या है कि वहाँ उसके बाय पोस्ट आपके लिए एडमिट कार्ड आएगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं पिछली बार का एसकेटी का है, पुराना वाला है जो कि कैंसिल, भर्ती कैंसिल हो गई थी उसका है। ओके, तो डॉक्यूमेंट वही रहने वाले हैं जो सारी वैकेंसी में लगते हैं। ठीक है, तो जब आएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए फॉर्म में फॉर्मेट दे रखा, मतलब बता रखा होगा कौन कौन से फॉर्म हैं। आप लोगों को अगर फॉर्म का फॉर्मेट लेना है, सभी फॉर्मेट, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें और वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूँगा सारे फॉर्मेट। ओके, देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है अटेंडेंशन फॉर्म। ठीक है, पहले नंबर पे है, फिर दूसरे पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। ओके, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ है एजुकेशन जिससे आपने फॉर्म फिल किया, जो फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 12th एक्सपीरियंस और टेक्निकल एजुकेशन है अगर आपने उसका लगाया है, जैसे ITI है वगैरह किसी भी टेस्ट से, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रूफ मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने एज रिलेक्शन लिया है तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस कार्ड से हैं, कि आपको एज मिल रही है कि नहीं मिल रही छूट उसमें। एक्स सर्विसमैन से अगर आपने फॉर्म डाला तो उसका भी एक्स सर्विसमैन का होना चाहिए। NOC होना चाहिए अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, तो NOC वहाँ से निकलवानी पड़ती है, वो भी होना चाहिए आपके पास। और रिसेंटली 15 फ़ोटो, वैसे उसमें तो 10 फ़ोटो मांगे, मगर आप लोग 15 फ़ोटो, कम से कम 15 फ़ोटो रिसेंटली जो आपने फॉर्म में लगाई थी उसी टाइप की फ़ोटो निकलवा लें। ठीक है, या रिसेंटली। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है फिज़िकल और मेडिकल के टाइम पे। और देख लेते हैं क्या बताना है आगे इसमें। और इसका एक तरफ का तो इतना दे रखा है उसमें, और दूसरे पार्ट में बता रखा है इसमें फिज़िकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा उस सेंटर पे। ओके, उसके बाद आपको और क्या करवा के ले जाना है, उस टाइम पे उसने बताया था कि आपको 3 जांच और करवा के लेके आनी है। वो जांच कौन सी है, एक तो CBC, एक CBC बताई थी, एक यूरिन बताई थी, यूरिन जांच बताई थी, एक ब्लड ग्रुप की। ओके, ये 3 जांच आपको करवानी थी, वो भी, और एक वो RH टाइप। ओके, ये आप लोगों को 4 रिपोर्ट या 3 रिपोर्ट करवानी थी। वो करवानी कहाँ से थी, ये सरकारी हॉस्पिटल लैब से करवानी थी। ओके, और ये आपकी 1 मंथ के लिए वैलिड रहेंगी अगर आप करवाते हैं फिज़िकल से इस टाइम पीरियड में कराएं कि उसकी डेट एक मंथ का हो। ओके, उससे ज़्यादा का होगा तो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करवाना है, लेकिन अभी आप लोगों का टाइम लगेगा क्योंकि कल आपका रिजल्ट निकला है, तो कम से कम 5-6 दिन में आप लोगों के पास ये कॉल लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मंथ का टाइम मिलता है, 1-1.5 मंथ का टाइम, उसके बीच में आप लोग काम करवा सकते हैं, क्योंकि आपका अभी जैसे आज से 7-8 तारीख है और आपका 22 अगस्त को होगा, तो काफ़ी टाइम हो गया। आप इतने में अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लें, और सारे जितने भी फॉर्म हैं उसके एक बार आप लोगों को फॉर्मेट दिखा देते हैं किस टाइप के हैं। ओके, ये है आपका अटेंडेंशन फॉर्म जो कि पहले नंबर पे आपको हमने बताया था, और जब आप लोगों के पास आ जाएगा तो हम इसका सारा डिटेल बता देंगे कैसे क्या फिल करना है। ठीक है, ये डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी हैं क्योंकि ये पर्सनली थी। ओके,
और देख लेते हैं। ये एक फॉर्म आपका इस टाइप का हो जाएगा और एक ये हो जाएगा NEFT, नेफ्ट का फॉर्म बोलते हैं इसे, नेफ्ट मैट्रेड फॉर्म। ओके, ये हो जाएगा, ये आपको बैंक से बनवाना पड़ता है सारा। और उसके बाद आपका एक ये हो जाएगा, ये भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मैंडेट फॉर्म है, NEFT LIC के माध्यम से। ये तो शायद नहीं है, बनवाना पड़ेगा आपको नेफ्ट फॉर्म, यही बनवाना पड़ेगा ये वाला। ओके, और आने दो फिर कंफर्म कर देते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जैसा ही आपको आप लोगों के पास ये एडमिट कार्ड आने लगे तो कोई भी एक कैंडिडेट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ एडमिट कार्ड आ गए हैं और फॉर्म कैसे फिल करना, क्या डॉक्यूमेंट करना है, तो उस पर पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, जिससे आप लोगों की जो भी भविष्य में होने वाली भर्तियां हैं जैसे SKT DES की, उसके लिए आप लोगों की लाइव क्लास लेके आ सकें हम लोग। और अभी आप लोगों की लाइव क्लास नहीं हो रही है क्योंकि लाइव जो ऑप्शन है मेरा अभी ऑन नहीं है, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से। ये सारा डिटेल देख लीजिए आप, अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, तैयारी कर लीजिए सारी, क्योंकि आप लोगों का ये सारा कहाँ से क्या होना है सारे फॉर्म देख लेना, और जैसा गाइडलाइन दे रखी है उसी टाइप से आप लोगों को काम करना है भाइयों, क्योंकि कोई भी चूक आप लोगों के लिए रिस्की हो सकती है, इसलिए चूक होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा जहाँ तक संभव होगा, जितनी और जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, फिजूली जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोग जैसा कि देखते ही हैं मेरी वीडियो ज़्यादा आती नहीं, जितना अगर आपके पास कोई अपडेट आई है BRO के माध्यम से तो आपको अपडेट ज़रूर दी जाती है। और मेरा काम वो नहीं है कि व्यू के लिए कुछ भी, व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते रहें चैनल पर, ऐसा नहीं है। और जिन भाइयों को अगर तैयारी करनी है वो कमेंट करके बताएं कि किस ट्रेड की तैयारी करनी है। और अच्छा, एक बात आप लोगों को बता देते हैं, ये जो पिछली भर्ती वाला कॉल लेटर है ये मेरा ही था, मैंने इसमें डाला था और हम क्वालिफाइड भी थे इसमें, मगर वो भर्ती कैंसिल हो गई। ओके, तो इसलिए उस बारे में जानकारी है, इसलिए आप लोगों की भी हेल्प हो रही है। ओके, और ओके ठीक है, जय हिंद भाइयों, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट ज़रूर करें कोई डाउट है तो। ओके, थैंक यू।